यादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। हिंदू धर्म में माँ दुर्गा के शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूप की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इन दिनों माँ धरती पर अपने भक्तों के दुख दूर करने आती है। ऐसे में सच्चे मन से की गई आराधना से भक्तों के जीवन में सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा 16 श्रृंगार करती हैं। पितृपक्ष के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या के अगले दिन से शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ होता है। हिंदी पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माँ दुर्गा की आराधना का महापर्व नवरात्रि शुरू होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूप माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा क्रमशः की जाती है। देश के विभिन्न कोने में माँ दुर्गा का विभिन्न उपाय से पूजा किया जाता है और कई कई स्थान में रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। दुर्गाष्टमी या महानवमी को कन्या पूजा किया जाता है। महानवमी को नवरात्रि हवन का भी आयोजन होता है। दशहरा के दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन किया जाता है। वहीं विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा की मूर्तियों का विधि विधान से विसर्जन भी किया जाता है। इस दिन शस्त्र पूजा भी होता है। माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों को सम्मान किया जाता है एवं पूजा जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। देवी माँ स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक देवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडीति चतुर्थकम् पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। नवरात्रि उत्सव के दौरान माँ दुर्गा के 9 विभिन्न स्वरूपों का सम्मान एवं पूजा किया जाता है, जिसे नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत या शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आम तौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री है, किंतु इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। जिससे पहले कि ये अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का ये सर्वोच्चतम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव का, गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। जब आप किसी भी अनुभव या भावनाओं के शिखर तक पहुँच जाते हैं तब आप दिव्य चेतना का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि ये चेतना का सर्वोच्चतम शिखर है। शैलपुत्री का ये वास्तविक अर्थ है। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री का पसंदीदा रंग पीला है, तो लोग पीला वस्त्र पहन के माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नव दुर्गाओं में दूसरी दुर्गा का नाम ब्रह्मचारिणी है। इनकी पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है
वो जो असीम अनंत में विद्यमान गतिमान है, एक ऊर्जा जो ना तो जड़ ना ही निष्क्रिय है, किंतु वो जो अनंत में विचरण करती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ ये भी है कि तुच्छता निम्नता में न रहना अपितु पूर्णता से रहना। तो इसीलिए ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का पसंदीदा रंग हरा है, तो लोग हरे रंग के वस्त्र में माँ की पूजा करते हैं और ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न कर सकते हैं। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनका स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और वाहन सिंह है। इनके उपासना से भक्तगण समस्त संसारिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें हमारा अस्त व्यस्त मन एकाग्रचित हो सकता है, अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि ये मन एक प्रकार से देवीय रूप का प्रतीक अभिव्यक्ति है। ये देवीय रूप दुख विपत्ति भूख और यहाँ तक कि शांति में भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि माँ चंद्रघंटा को भूरा रंग बहुत पसंद है, तो लोग इस तरह के वस्त्र धारण कर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है देवी कुष्मांडा। कुष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है लौकी कद्दू। अब अगर आप किसी को मजाक में लौकी कद्दू पुकारते हैं तो वो बुरा मान जाएगा, लेकिन यहाँ इसका अर्थ प्राण भक्ति से है। प्राण भक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की तरह है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते हैं, अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता है। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाता है। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा जाता है, ये प्राणों को अपने अंदर सोखती है और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करती है। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली साग सब्जी है। कुष्मांडा देवी ब्रह्मांड से पिंड को उत्पन्न करने वाली दुर्गा कहलाती है। अपनी मंद हल्की हंसी से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। दुर्गा माँ का ये चौथा स्वरूप है, इसलिए नवरात्र में चतुर्थी तिथि को इसकी पूजा होती है। लौकिक स्वरूप में ये बाघ की सवारी करती हुई अष्टभुजाधारी मस्तक पर रत्न जटित स्वर्ण मुकुट वाली एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में कलश लिए हुए उज्ज्वलित स्वरूप की दुर्गा है। ऐसा माना जाता है माँ कुष्मांडा को नारंगी रंग बहुत पसंद है, तो लोग ये रंग के वस्त्र धारण कर उनकी आराधना करते हैं। बुद्धिमता ज्ञान की देवी माँ स्कंद माता। देवी माँ का पांचवा रूप स्कंद माता के नाम से प्रचलित है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, जो ज्ञान शक्ति और कर्म शक्ति के एक साथ सूचक है। स्कंद माता वो देवीय शक्ति है जो व्यवहारिक ज्ञान को सामने लाती है, वो जो ज्ञान को कर्म में बदलती है। इस दुर्गा का स्वरूप दोनों हाथ में कमल दल लिए हुए और एक हाथ में अपनी गोद में ब्रह्म स्वरूप संत कुमार को थामे हुए है। ऐसा माना जाता है कि माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो लोग सफ़ेद रंग धारण करके उनकी पूजा करते हैं। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं। कात्यायनी महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर उनके इच्छानुसार उनके वहाँ पुत्री के रूप में पैदा हुई थी। महर्षि कात्यायन से सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी, इसलिए इन्हें कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। ये दुर्गा देवताओं के और ऋषियों के कार्यों को सिद्धि करने के लिए महर्षि कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी। अपने संसारिक रूप में ये शेर
यानी सिंह पर सवार चार भुजाओं वाली सुसज्जित आभा मंडल युक्त देवी कहलाती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि देवी कात्यायनी गुप्त रहस्य की प्रतीक है। माँ कात्यायनी क्रोध का वो रूप है जो नकारात्मक शक्ति को विनाश कर धर्म स्थापन करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो लोग लाल रंग धारण करके उनकी पूजा करते हैं। माँ के सप्तम रूप का नाम है माँ कालरात्रि। ये माँ का अति भयावह और उग्र रूप है। संपूर्ण सृष्टि में इस रूप से अधिक भयावह और कोई भी दूसरा रूप नहीं, किंतु तभी भी ये रूप मातृत्व को समर्पित है। देवी माँ का ये रूप ज्ञान और वैराग्य प्रदान करता है। अपने महाविनाशक गुणों से शत्रुओं और दुष्टों को संहार करने वाली सातवीं दुर्गा का नाम है कालरात्रि। विनाशिका होने के कारण इनका नाम कालरात्रि पड़ा। आकृति और सांसारिक रूप में ये कालिका का अवतार यानी काले रंग रूप और अपनी विशाल केश राशि को फैलाकर चारों भुजाओं वाली दुर्गा है, जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ कालरात्रि को नीला रंग बहुत पसंद है, तो लोग नीले वस्त्र धारण करके उनका पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र के आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। अपने तपस्या में इन्होंने गौर वर्ण प्राप्त किया है। उत्पत्ति के समय ये 8 वर्ष की आयु की थी, इसलिए उन्हें नवरात्र के आठवें दिन पूजा जाता है। अपने भक्तों के लिए ये अन्नपूर्णा स्वरूपा है। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। सांसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वल कोमल श्वेत वर्ण और श्वेत वस्त्रधारी है। महागौरी का अर्थ है वो रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, प्रकाशमान है, पूर्ण रूप से सौंदर्य से डूबा हुआ है। ये भौतिक नहीं बल्कि लोक से परे अलौकिक रूप है। ऐसा माना जाता है कि माँ महागौरी को गुलाबी रंग बहुत पसंद है, तो लोग गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करके उनका पूजा अर्चना करते हैं। नव दुर्गा के नवम तथा अंतिम रूप है सिद्धिदात्री, जो कि मानव समाज को अद्भुत सिद्धि और क्षमता प्रदान करती हैं। सिद्धि और मोक्ष देने वाली दुर्गा को सिद्धिदात्री कहा जाता है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान हैं। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। नवे दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण किया जाता है। देवी महागौरी भौतिक जगत में प्रगति के लिए आशीर्वाद और मनोकामना पूर्ण करती हैं। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद के कारण कार्य संपूर्ण होता है। सबका वचन सत्य हो और सबका भलाई हो, जो कोई किसी भी कार्य को करे वो संपूर्ण हो जाए, यही सिद्धि है। सिद्धि आपके जीवन के हर स्तर में संपूर्णता प्रदान करती है, यही देवी सिद्धिदात्री की महत्ता है। ऐसा माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री का मनपसंद का रंग बैगनी है, तो इस दिन बैगनी रंग पहनना शुभ माना जाता है। विजयदशमी को भी अपराजिता पूजा का पर्व भी करते हैं। नव दुर्गाओं की माता अपराजिता संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तिदायिनी और ऊर्जा उत्सर्जन करने वाली हैं। देवी अपराजिता का पूजन तब से शुरू हुआ जब चारों युगों की शुरुआत हुई थी। देवी की पूजा के समय रात्रि काल में शिव और पार्वती सहित गणेश की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा का पर्व हिंदू देवी दुर्गा की बुराई के प्रतीक राक्षस महिषासुर पर विजय के रूप में मनाया जाता है। अतः दुर्गा पूजा का पर्व बुराई पर भलाई की विजय के रूप में भी माना जाता है। दुर्गा पूजा भारतीय राज्यों आसाम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप में मनाया जाता है। ये न केवल सबसे बड़ा हिंदू उत्सव है, बल्कि ये हिंदू समाज में सामाजिक सांस्कृतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण उत्सव भी माना जाता है। पूर्वी भारत के अतिरिक्त
दुर्गा पूजा का उत्सव दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में भी मनाया जाता है। दुर्गा पूजा का उत्सव नेपाल और बांग्लादेश में भी बड़े त्यौहार की तरह मनाया जाता है। वर्तमान में विभिन्न प्रवासी भारतीय सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, सिंगापुर और कुवैत सहित विभिन्न देशों में आयोजित करवाते हैं। दुर्गा पूजा की ख्याति विश्व विख्यात है। बंगाल, आसाम, ओडिशा में दुर्गा पूजा को अकाल बोधन, शारदीय पूजो, महापूजो, मायर पूजो या केवल पूजा अथवा पूजो भी कहा जाता है। पूर्वी बंगाल में दुर्गा पूजा को भगवती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इसे पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में दुर्गा पूजा भी कहा जाता है। पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। कुल्लू घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा, मैसूर, कर्नाटक में मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमाई गोलू, आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुवु के रूप में भी मनाया जाता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।